दोस्तों भाषा शिक्षण के पीजीडीटी प्रशिक्षण शिविर में आपका पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है परीक्षाएं चल रही है और काफी लोगों के पास किताबें नहीं उपलब्ध हो पाई हैं। आप लोगों की इस असुविधा का समाधान करने के लिए हमारे कुछ मित्रों ने इसे हमारे SSC_translators नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है, रोशन गुप्ता जी है उसमें, रोशन गुप्ता जी ने आप लोगों के लिए यह पुस्तक साझा की। सिर्फ यही नहीं, और भी पुस्तकें साझा की है। मैं उनको धन्यवाद देते हुए इस सत्र को आगे बढ़ाता हूं। देखिए MT T52 जो है उसकी किताबें आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप लोगों को इसमें से, चूंकि कल या परसों आपकी जो परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा के लिए कुछ विशेष बिंदु बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए अनुवाद प्रक्रिया और प्रविधि, यही है इसका, ये जो भी चीजें रहती है उसके अनुसार ये इसका इंडेक्स वगैरह है, तमाम चीजें हैं। और इसके बाद देखिए ये विषय क्रम है, विषय क्रम का मतलब होता है इंडेक्स। अब इस विषय क्रम में क्या क्या हमें देखना है, देखिए अनुवाद प्रक्रिया और अनुवादक, पहला प्रश्न है इकाई एक में अनुवाद की प्रक्रिया। आप लोग यह पुस्तक अगर नहीं है तो मैं फिर कहूंगा कि जा करके SSC_translators टेलीग्राम में ग्रुप है, उसमें आप सर्च में खाली MTT सर्च करेंगे सारा आ जाएगा। इसके बाद है अनुवाद की प्रविधियां, अनुवादक के गुण दायित्व और अपेक्षाएं, इसे पढ़ लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण होता है, लगभग हर बार आता है अनुवादक के गुण दायित्व और अपेक्षाएं, दो पेज का है, पढ़ लेंगे तो आप कर पाएंगे। उसके बाद है अनुवाद की प्रविधियां, इसमें भी थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद अगला है अनुवाद के प्रकार और क्षेत्र, रूपांतरण, रूपांतरण आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। इसके बाद इसमें सारानुवाद है, सारानुवाद पर आपको मेरे चैनल भाषा शिक्षण पर वीडियो मिल जाएगा। आप इस पर सर्च करेंगे तो सारानुवाद पे एक वीडियो है 8-10 मिनट का, आप उसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सारानुवाद और आशु अनुवाद एक ही वीडियो में मैंने किया है। उसके बाद आता है लिप्यंतरण और लिप्यंकन, इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। लिप्यंकन क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं और ट्रांसक्रिप्ट इसको बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखा हुआ नीचे आता रहे तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और लिप्यंतरण होता है ट्रांसलिटरेशन, जैसे मान लीजिए घोड़ा लिखा है, इसी के ऊपर आपको लिखना है, घोड़ा लिखा है तो इसे लिखना है GHORA, घोड़ा। जैसे मान लीजिए आपका नाम रमेश है, RAMESH, तो इसको आप लिखते हैं रमेश, ये होता है लिप्यंतरण, ट्रांसलिटरेशन। और आप लोग तो लिखते ही है फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह, आप लोग हिंदी में तो लिखते नहीं है, हिंदी की लिपि को आप अंग्रेजी में लिखते हैं। जैसे लिखते हैं का हो भाई साहब, का हो BHAI भाई साहब, ठीक है, इस तरह तो आप लिखते हैं, 90% आप लोगों ने लिपि बदल दी है। तो ये लिप्यंतरण का प्रकार है और इसको आप माइंड में लेके जाइएगा। अंग्रेजी के जो शब्द होंगे उनको हिंदी में ऐसे लिप्यंतरित करते हैं और हिंदी आप लोग लिखते हैं, इसलिए असुविधा नहीं है। लिप्यंकन का आप उसमें लिख सकते हैं कि लिप्यंकन कहाँ करते हैं, टीवी में जैसे आप देखते हैं या फिर OTT पे आप फिल्में देखते हैं, नीचे जो कैप्शन चलता है ट्रांसक्रिप्शन का वह नमूना है कि जो कलाकार बोल रहा है, मान लीजिए वो कोरियन भाषा में बोल रहा है, आप हिंदी में कैप्शन देखते हैं, वह लिप्यंकन होता है। और इसका क्या क्या उपयोग है, कॉन्सेप्ट से आप लिख सकते हैं, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं अनुवाद के साधन और उपकरण, अनुवाद के साधन और उपकरण में देखिए कोश के बारे में आप लोगों ने अपने असाइनमेंट में लिखा होगा। देखिए इसमें कोश के प्रकार और अनुवाद में उपयोगिता, आप लोगों ने असाइनमेंट इसका किया है तो आप उसमें से लिख सकते हैं। उसके बाद कोश की उपयोग की प्रविधि, ये दोनों कोश निर्माण प्रक्रिया, ये कोश निर्माण प्रक्रिया देख लीजिएगा और इसी में से फिर आपको लिखा जाता है। जो प्रश्न आता है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में सजाना, जैसे मान लीजिए संकल्प है, संकल्प, स्केच, और इस तरह के मान लीजिए शब्द रहेंगे, ये हिंदी में थोड़ी कठिनाई है, आप देख लेंगे तो आसान हो जाएगा। और जैसे इंग्लिश में मान लीजिए इंग्लैंड है, इंग्लैंड है, उसके बाद फैंटम है, PHAN POM, ये तो आपको पता ही है कि पहले ई वाला आएगा फिर टी वाला आएगा। तो यह आता है आपका जो उसमें कोश के क्रम में सजाना, 5-5 नंबर का पहले होता था,
अगर इस बार भी आया तो सम्मान आए, पांच पांच नंबर कंपल्सरी रहेगा, उसको ठीक से करेंगे तो 10 नंबर इसमें मिल जाता है। उसके बाद शब्द रचना और शब्दार्थ है। पारिभाषिक शब्दावली पढ़ लीजिएगा, इस बार महत्वपूर्ण रहेगा। पारिभाषिक शब्दावली से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पारिभाषिक शब्दावली का पूरा चैप्टर है, विचारधारा, युक्तियां और अनुवाद और अवधारणा और आयाम, जरूर पढ़ लीजिएगा इसे। इसके बाद फिर हम आते हैं आगे। चूंकि आजकल मशीनी अनुवाद खूब ज्यादा होता है, कोई भी होता है तो हम फट से गूगल पे पहुंच जाते हैं, गूगल बाबा की जय हो बोल करके, या फिर माइक्रोसॉफ्ट में, या फिर और भी वेबसाइट है उसमें मशीनी अनुवाद करवाते हैं। तो मशीनी अनुवाद अवधारणा और विकास, मशीन के अनुवाद की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, मशीन में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है, LIP होता है, लैंग्वेज इंटरप्रेट प्रोसेस होता है, और जो चीजें होती है उसको अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो इस पर भी आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स और ऑनलाइन कोर्स, ये नया चैप्टर जोड़ा हुआ है, ये भी आप कॉन्सेप्चुअल है, आप इसको कर सकते हैं। एक बार इस पार्ट को पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 458 पर है। और पुनरीक्षण, कई बार ऑल्टरनेट ईयर आता है, पुनरीक्षण का मतलब आपके पास एक स्क्रिप्ट ट्रांसलेट होकर के आया है तो आप उसको कैसे जांचेंगे, उसमें गलतियां कैसे निकालेंगे और प्रूफिंग के लिए कैसे भेजेंगे, इसका आप लोगों ने मुझे लगता है इसमें असाइनमेंट पे किया हुआ है, तो आप उसके आंसर इसको कर लेंगे। और अंत में अनुवाद मूल्यांकन और अनुवाद समीक्षा, बहुत आसान है, इसमें से आपका 10 नंबर का आ सकता है। और इस तरह से अगर आप लोग पूरा पाठ पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिर आपको आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। अभी आप लोगों के अंदर जो सबसे बड़ा डर है कि मेरे पास पुस्तकें नहीं आई हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया हूं, या फिर आपके पास यह डर आता है कि मैं हो सकता है ना लिखूं ठीक से तो इसमें फेल कर जाऊं, इस तरह की चीजें आपके मन में अक्सर आती होंगी। क्या लगता है, सचमुच आती होंगी? अगर आप लोग इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ रीडिंग दे जाइए और रीडिंग के अनुसार लिख सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो संदेश बॉक्स में आप प्रश्न साझा कर सकते हैं, मैं उसका समाधान अगले वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। और बस इतना ही कहूंगा कि मन लगा करके पढ़ लें खाली, आप सफल हो जाएंगे। आपकी सफलता की कामना के साथ आज का सत्र समाप्त करता हूं। अगली चर्चा में फिर आपके प्रश्नों के साथ या फिर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।